नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वनस्पति है ना, जो पौधा आप देख रहे हैं वीडियो में, इस पौधे को करीब करीब सभी लोग जानते हैं। हमारे भारतवर्ष में यह पौधा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हर जगह पाया जाता है। आप देख लीजिए, यह जो पौधा आप देख रहे हैं ना, इस पौधे का नाम है धतूरा, धतूरा का पौधा। जी हाँ दोस्तों, वही धतूरा जो कि शिव भगवान को सबसे प्रिय है और इसका फल, फूल, पत्ते शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, जो कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये धार्मिक दृष्टि से भी पवित्र पौधा माना गया है और औषधि गुणों से भी यह परिपूर्ण है। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से पहले आप इसका ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बताएंगे धतूरा का प्रयोग और किस तरह से इसका प्रयोग करना है और किस मात्रा में करना है। सबसे पहली बात है दोस्तों, पहले इसका पहचान कर लीजिए। धतूरा कई तरह के होते हैं, कई प्रजाति के पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें कैसे पहचाना जाता है? फल एक ही जैसा होता है, इसके फूल के कलर से पहचाना जाता है। अभी जो दिखा रहे हैं ना, इसमें हल्का बैंगनी कलर होता है, जिसे काला धतूरा भी कहा जाता है इसमें, और एक वाइट कलर का होता है, उजला धतूरा होता है। देखिए, इसमें हल्का बैंगनी बैंगनी फूल में लगा हुआ है, इसे काला धतूरा होता है। इससे और डार्क होता है, वो भी होता है, लेकिन दोस्तों ये जो एक वाइट धतूरा होता है, उजला होता है, जो कि आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, सबका अंतर बताएंगे। और इसके एक पीला कलर का भी होता है, ये देखिए, ये वाइट कलर का होता है, इस तरह से धतूरा होता है। इसमें ढेर सारे फल लगे हुए हैं, देख लीजिए, कांटेदार जो फल है ना, ये लगे हुए हैं और बहुत अधिक मात्रा में है, नीचे से ऊपर तक एकदम फल ही फल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको पहचान गए होंगे, ये उजला धतूरा है, उजला फूल वाला ये धतूरा है। और आपको जो दिखाए थे पहले बैंगनी कलर का दिखाए थे, और एक और धतूरा है जो हल्का पीलापन होता है। तो दोस्तों, इस तरह से कई धतूरे के कलर होते हैं और सबका औषधि गुण करीब करीब समान होता है, कुछ थोड़ा बहुत 19-20 होता है। तो दोस्तों, यही धतूरे के फायदे के बारे में चलिए आज हम बात करते हैं। और यह पौधा आसानी से आपको मिल जाएगा पूरे भारत में, चाहे खेत हो, रोड के किनारे हो या मंदिर हो, हर जगह यह पौधा देखने को आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, इसका हम आज इस वीडियो में सिर्फ प्रयोग के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह दोस्तों जहरीला भी होता है, अगर अधिक मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह नुकसान भी कर सकता है और यहाँ तक कि जान भी ले सकता है। इसलिए दोस्तों, इसका प्रयोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका जहर के साथ साथ इसका प्रयोग भी बहुत अच्छा है। आप इसका प्रयोग करेंगे ना तो बहुत अच्छा, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जानकारी सही होने के बाद ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इसका प्रयोग ना करें। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे तो दोस्तों आयुर्वेद में बताया गया है, हर पौधे का कुछ ना कुछ औषधि गुण होते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं ना, निरापद होते हैं और कुछ में कुछ नुकसान भी होते हैं। तो दोस्तों, इसका यही है कि इसका अधिक मात्रा में अगर प्रयोग किया जाए तो यह नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये पीले फूल वाले हैं, देख लीजिए, इसका हल्का हल्का पीलापन दिख रहा है, ये पीले फल वाले हैं। चलिए दोस्तों, विस्तार से जान लेते हैं इसके बारे में कि कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग होता है और किस मात्रा में करना चाहिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पीले फूल वाले धतूरा और बैंगनी कलर के धतूरा और उजला कलर का धतूरा, तीनों का पौधा आपको हम दिखाए हैं, तीनों फूल दिखाए हैं। अचानक से हमको ये तीनों एक साथ मिल गया पौधा, बहुत रेयर में ऐसा पौधा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इसको औषधि गुण बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कान में कोई इन्फेक्शन हो गया या कान में सूजन हो गया या फिर दर्द हो रहा है या फिर मवाद आता हो, तो कान की समस्या को दूर करने के लिए कैसे इसका प्रयोग करेंगे? इसके लिए बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, इसके पत्ते को ले आएँ, अच्छे से धुल करके उसको पीस करके रस निकालें और कान में दो दो बूंद टपकाएँ। दोस्तों, अगर कान में फोड़े फुंसी हो गया या बहने की समस्या हो या मवाद की समस्या हो, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा।
और अगर कान बह रहा है, बदबू आ रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले नीम की पत्ती को आप उबाल करके उसका पानी निकालें और उससे कान साफ करें। इसके बाद इसका रस टपकाएं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों धतूरे के जो फल होते हैं ना, उसके अंदर बीज निकलते हैं, काले काले बीज निकलते हैं, उसका तेल बनाया जाता है। दोस्तों आपको ऐसे तेल बनाना नहीं आता है तो आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे या जो जहां जड़ी बूटी मिलता है आप वहां से भी तेल ला सकते हैं, ऑनलाइन तेल मंगा सकते हैं। उस तेल का भी बहुत अच्छा प्रयोग है। उस तेल को आप कान में दो बूंद टपकाएंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। फिर दोस्तों उस तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे कि घुटने का दर्द, जैसे कि गठिया, संधिवात जैसी समस्या हो जाता है ना, जोरों जोरों पे दर्द होने लगता है, तो दोस्तों उसको अगर उस पे है आप तेल से मालिश करेंगे। मालिश कैसे करना है दोस्तों, आप धूप में सुबह सुबह जो धूप निकलता है ना उसमें आधा घंटा बैठें और उस धूप में आप मालिश करें। दोस्तों आपके जो संधिवात गठिया जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। किसी भी प्रकार का दर्द है, सूजन है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों अगर मार्केट से नहीं मंगाना चाहते हैं तो आपको हम तेल बनाने की तरीका भी बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले धतूरे का आप फल ले आए, फल को अच्छे से उसको कूट लें। कूट लें कि क्या, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें। इसके बाद क्या करें, तिल के तेल में या फिर जैतून के तेल में उसको डाल करके और उसको धीमी आंच पे पकाएं। तब तक पकाना है जब वो बीज और उसका जो छिलका है सब पूरा काला हो जाए और उससे मॉइस्चर सब निकल जाए। इसके बाद क्या करें, उसको छान करके किसी भी बोतल में रख लें, फिर उसका आप प्रयोग करें तेल के रूप में। बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, खास करके घुटने, संधिवात, गठिया जैसी बीमारी के लिए। किसी भी प्रकार का दर्द हो, भयंकर से भयंकर दर्द हो, उसमें बहुत बेहतरीन काम करता है, दिव्य औषधि के रूप में काम करता है दोस्तों। दोस्तों इसका एक और तरीका है, बहुत अच्छा है। दोस्तों क्या करें, इसके पत्ते को 4-5 पत्ते ले आएँ, इसके ऊपर तिल का तेल लगा दें और हल्का सा गर्म करें, और जहाँ पर भी दर्द हो रहा हो, चाहे घुटने पे, कोहनी पे या जोड़ों पे, आप उस जगह लगाकर वो पत्ते को बांधें थोड़ा देर के लिए, बांधें आधा घंटा के लिए। दोस्तों यकीन मानिए, वो भी आपको अगर दर्द हो रहा है ना घुटने में, उसको भी ऐसा ही करता है। गठिया, संधिवात, किसी भी प्रकार का दर्द हो उसमें या सूजन हो गया है उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो धतूरे के जो तेल होते हैं ना, बहुत ही दिव्य औषधि और चमत्कारी औषधि के रूप में काम करता है। अगर शरीर में कहीं नस दब गया हो, नीरो सिस्टम मतलब कि नस दब गया हो, खून पास ना हो रहा हो और भयंकर दर्द हो रहा, उस जगह भी ये तेल बहुत अच्छा काम करता है। आपको क्या करना है, हल्का सा सुबह सुबह का धूप हो वो तेल ले जाएं और उस पर हल्के हाथों से मालिश करें। दोस्तों अगर नस दब गया है तो वो भी खुल जाता है, और जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही काम नहीं कर रहा है वहाँ पे भी आप इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नस संबंधी कोई भी समस्या, चाहे गर्दन का हो, हाथ का हो, पैर का हो, कहीं का नस दब गया है, उसमें बहुत बेहतरीन काम करता है। तो अगर किसी पुरुष को नामर्दी हो जाता है, नस दब गया है और पतला हो रहा हो, तो दोस्तों वहाँ पे अगर मालिश करा जाए तो वो नामर्दी भी दूर हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे कंटिन्यू चलने लगता है, जिसके वजह से नस खुल जाता है, जिसके वजह से यह नामर्दी को भी दूर करता है। और दोस्तों ये जो मैंने बताया पुरुष के लिए, नस के लिए, इसके लिए आपको ओरिजिनल तेल ही लाना पड़ेगा। जो मैंने बताया यह दर्द, घुटने दर्द और संधिवात गठिया जैसी बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है, तो आपको ओरिजिनल तेल ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना बहुत लंबा है, आप नहीं कर पाएंगे घर में। इसलिए दोस्तों सबसे इजी है कि आप मार्केट से मंगा कर का उसका आप प्रयोग करें। दोस्तों अगर किसी को चोट या मोच आ जाए तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, और कुछ दिन अगर इग्नोर किया जाए तो वो आगे चल कर के बहुत नुकसान कर सकता है। तो चोट मोच के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यह अंदर से भी चोट लग सकता है, बाहर से भी चोट लगता है, किसी भी प्रकार का चोट मोच हो गया हो। तो दोस्तों इसके क्या करें, इसके पत्ते को लाएं और इसको पीस करके पेस्ट बना लें, और इसको चाहे सरसों के तेल में या फिर घी में अच्छे से इसको भूंज लें। अब भूंजने के बाद जहाँ पे भी चोट मोच या सूजन या दर्द हो रहा हो वहाँ पे लगा दें। दोस्तों यकीन आपको आधा घंटा के अंदर दर्द ख़त्म हो जाएगा, और कंटिन्यू 2-3 दिन करें, आपकी चोट मोच जैसी समस्याओं से आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। तो अगला जो प्रयोग आप बताएंगे, यह बहुत ही दिव्य और चमत्कारी नुस्खा है और बहुत कम लोग को पता है।
तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, अगर पुरुष में जैसे कि नपुंसकता की बीमारी हो जाता है या फिर शारीरिक कमजोरी हो जाता है या किसी प्रकार का अनहोनी ताकत की समस्या है, उसके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। उसके लिए क्या करें, धतूरा का फल लाएँ। इसमें क्या करें, 20 से 25 लौंग लें। लौंग लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो धतूरे के फल लाए हैं उसमें छेद करके और लौंग को है ना उसमें चुभो दीजिए। इस तरह से 20-25 लौंग उसके अंदर चुभो दीजिए और इसके बाद क्या, उस फल पे चारों साइड छेद करके चुभो दीजिए लौंग। इसके बाद क्या करें, चिकनी मिट्टी मतलब काली मिट्टी लें और उसको अच्छे से सान करके उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दें, उस पर पूरा लेयर चढ़ा दें। इसके बाद आप क्या करें, उसको अच्छी तरह से मिट्टी उस पर ऊपर लगाने के बाद आप क्या करें, कंडे का आग जलाएं और आग जलाने के बाद आप क्या करें, जैसे बाटी चोखा भूनते हैं ना, आप उस आग पे उसको अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद आप उसको निकालें बाहर और उसको मिट्टी ऊपर से हटा दें। इसके बाद उसके जो लौंग आपने चुभाया है ना, उस लौंग को आप निकाल लें। फिर से उस लौंग को अच्छी तरह से सुखा करके उसका पाउडर बना लें। पाउडर बना करके किसी भी बोतल में उसको रख लेना है दोस्तों। इसके बाद कभी भी आपको जरूरत जैसे लगे ज़रूरत की, जैसे कि शीघ्र पतन की समस्या है, गुप्त रोग की समस्या हो गया है या फिर नामर्दी का या किसी प्रकार की आपको अनहोनी ताकत की समस्या है, तब उसका प्रयोग करना है। दोस्तों प्रयोग कैसे करना है आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों क्या करना है, एक चम्मच शहद लेना है, पाउडर है ना, एक चावल के दाने के बराबर लेना है, एक चुटकी के बराबर लेकर के उस शहद में मिक्स करके उसको चाटना है। इस तरह से अगर सुबह शाम दोस्तों आप करते हैं, आपके शरीर में जो कमजोरी है, नामर्दी है या कोई ऐसी अनहोनी ताकत की समस्या है, उसको यह सही करता है। बहुत ही बेहतरीन और दिव्य और चमत्कारी औषधि है दोस्तों, इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। तो दोस्तों इसका एक और प्रयोग है, जैसे कि माइग्रेन किसी को हो जाता है ना, सर दर्द की समस्या होती है, और जैसे कि माइग्रेन ही बोलते हैं, उसमें भी इसका एक और प्रयोग है। सेवन करने की जो विधि होता है ना, यह बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, या आपके आसपास वैद्य जी हैं तो उसकी सलाह परामर्श से ही आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि यह थोड़ा जहरीला होता है, अधिक मात्रा में इसका सेवन हो तो नुकसान भी कर सकता है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, इसका प्रयोग जब भी करें तो अच्छे जानकार लोग से जान करके, पहचान करके तब इसका प्रयोग करें, और सही तरीका होना चाहिए। इसके लिए क्या करें, आप इस धतूरे के दो बीज लें, दो से तीन नहीं होना चाहिए क्योंकि नुकसान कर सकता है, इसलिए दो बीज लें और अपनी जीभ पे रखें और उसको चबाएं। चबाने के बाद जो लार बनता है ना, उसको फेंकें, बाहर फेंक दें, अंदर नहीं। अगर आप प्रयोग करते हैं, कम से कम 5 मिनट तक करें, आपकी जो माइग्रेन की समस्या है, सरदर्द की समस्या है, वह ठीक हो जाता है। दोस्तों ऐसे तो धतूरे के बहुत सारे आयुर्वेद गुण हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों सेवन करने की विधि पे आप ज़्यादा ध्यान दें और इसका प्रयोग करें, बाहरी शरीर के बाहरी प्रयोग करें, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और अगर जहाँ अंदर की प्रयोग कर रहे हैं, खाने में प्रयोग कर रहे हैं, तो किसी वैद्य या जड़ी बूटी जानकार जो हैं उससे परामर्श लेकर ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आज हमने बताया धतूरे के पत्ते के फायदे, फल के फायदे, बीज के फायदे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।